हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए आटे के एक ऐसे लड्डू लेकर आए हैं जो आप बनाएंगे और उनको खाएंगे तो आप उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक पैन लिया है और इसमें हमें आटा रोस्ट करना है। आटे को रोस्ट किस तरह से करना है वो यहाँ पर हम बहुत थोड़ा सा प्योर घी लेकर इसमें डाल रहे हैं और अब इसमें हम आटा डाल देंगे और इसको रोस्ट करेंगे। हमने नीचे डाला है जिससे कि आटा इसमें पैन में एकदम से चिपकना ना शुरू हो जाए। इस वजह से इसमें पहले थोड़ा सा घी डालकर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और ठीक है आप आटा हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं कर पाएंगी, ये जलना शुरू हो जाएगा, तो आप फ्लेम को मीडियम भी कर सकती हैं। हमने हाई फ्लेम कर रखी है और इसको रोस्ट कर रहे हैं। जलना शुरू हो गई है, बस इसको हल्का सा और चलाएंगे और निकाल लेंगे। अब आटे को हम किसी बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक दूसरा पैन ले लिया है, आप चाहें तो वही पैन धोकर पसेंगे। हमारे पास बबूल का गोंद है, इस गोंद को फ्राई करेंगे। अच्छे से चलाएंगे इसको, जरा तेजी में और फूल जाए। तो आप डीप फ्राई भी कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा शैलो फ्राई किया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो ये हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे और अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो ये गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम ये जो हमारा थोड़ा सा घी इसमें बचा है, इसी में ही नारियल को फ्राई कर लेंगे। नारियल को इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक, इसको फ्राई करेंगे। इसको रोस्ट करके इसमें डालने से नारियल का भी फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसमें आता है एक टेस्ट। ये भी हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। ये नारियल हो चुके हैं, तो चलिए अब आगे के प्रोसेस की तरफ चलता है। जो हम ये खोया मिलाएंगे, इसको इस तरह से इसमें मिला देंगे खोए को, और साथ ही इसमें पिसी हुई शक्कर है ये मिलाएंगे। खोए और शक्कर और आटे को हमें मिक्स करना है कि बिल्कुल एकसार हो जाएंगे। हमें हल्का गर्म ही लेना, यानी कि आटे को पूरा ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गर्म रहे जिससे उसमें हम शुगर मिलाएं और खोया तो अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, इसमें आटा गर्म होने की वजह से सब कैसे अच्छे से मिल गया, पता भी नहीं लग रहा कि इसमें खोया मिला। हमने शक्कर बचाई थी, इसमें थोड़ी और मिक्स कर ले रहे हैं। इस पे आप चेक कर सकते हैं, अगर शक्कर कम लगे तो उसको डाल लें, जैसे अभी हमने डाली है। इसमें हमें घी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, आपने देखा कि हमने इसमें कितना घी डाला है, और बस हमें ये देखना है इसको अब दबा कर कि हमारे लड्डू बन जाएंगे या नहीं। अगर हमें लगे कि नहीं, हमारे लड्डू नहीं बन सकते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा घी डालकर इसको देखेंगे कि बंधेंगे या नहीं, लेकिन ये अच्छे से बंध रहे हैं, इसलिए अब इसमें हम घी पहले हम इसमें डालेंगे ये रोस्टेड नारियल जो हमने रोस्ट करके रखा हुआ है। थोड़ा बहुत घी अभी इन सबसे भी जाएगा और बंधने में आसानी रहेगी। रोट ठीक काट लिया है और ये है गोंद, इसको भी क्रश कर लिया है अच्छे से, इसको मिलाएंगे। ये बीज लिए हैं हमने तरबूज के, और कुछ ये खरबूजे के बीज हैं, इसको लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। और ये चिरौंजी है, इसको भी इसमें मिलाएंगे। और ये काजू हैं, इसको हमने पीस लिया है, लेकिन दरदरा पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है, इसको भी इसमें मिला दें। लास्ट में हमारे पास पिसी हुई इलायची है, इस इलायची को मिला देंगे।
अब ये सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स अब मिक्स हो चुके हैं इसमें बहुत अच्छे से। अब इसके लड्डू बनाना हम स्टार्ट करेंगे। लड्डू फ्रेंड्स हल्के भुरभुरे से होते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा घी नहीं पड़ा होता है। साथ ही आप इसमें एक बात का ख्याल रखें कि इसमें पानी का यूज़ लड्डू बनाते पर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि पानी का यूज़ करने से लड्डू बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे और बिना पानी के ही आप इस तरह से लड्डू बनाती हैं लड्डू ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे और ख़राब नहीं होंगे। इसे बंध रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है इनको बनाने में। ये देखिए इसी तरह से आप सारे लड्डू तैयार कर लें। तो ये लड्डू बनकर एकदम रेडी हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक हमें ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। तो बारी है आज की टिप की और वो ये है, अब की बार जब आप घर में जलेबी बनाएं तो आप उसका जो चाशनी जो शुगर सिरप तैयार करें उसमें थोड़ा सा साइट्रिक एसिड ज़रूर डालें, फिर अपनी जलेबी का टेस्ट देखें। ये एक सीक्रेट टिप है, हलवाई इसका यूज़ करते हैं। तो आप अब की बार इस तरह से जलेबी जो है बना के देखें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।